हेलो दोस्तों, जो आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं बहुत ही सस्ते इन्वर्टर की और काफ़ी अच्छे भी है फ्यूचर वाइज। बट फ्रेंड, मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आपको इन्वर्टर तभी ख़रीदना चाहिए जब आपका मन संतुष्ट हो जाए और आपके एरिया में इसका सर्विस सेंटर हो, इसकी आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी हो। ऐसी कंपनी का ही आपको इन्वर्टर ख़रीदना है, किसी ऐसी कंपनी का इन्वर्टर नहीं ख़रीदना है जो कि एक बार बेचने के बाद आपसे आपको आफ्टर सर्विस नहीं दे। तो फ्रेंड, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो मैं कुछ इन्वर्टर इनके फ्यूचर बता रहा हूँ, तो आपको पहले ये पता कर लेना कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर है या नहीं है, उसी बेस पर आपको ख़रीदना है। देखिए, डेल्टा पावर के इन्वर्टर है फ्रेंड, फर्स्ट इन्वर्टर है। देखिए फ्रेंड, डेल्टा पावर का इन्वर्टर है, 1000 VA का इन्वर्टर है, 1 KVA का, जिसमें 60 एम्पियर का हाई सोलर चार्ज कंट्रोलर है और इसकी प्राइस है 6300। लास्ट में इन सबका हम देखिए फीचर देखेंगे एक साथ। और जो दूसरा इन्वर्टर है, एक बार मैं इन्वर्टर दिखा देता हूँ आपको तीनों। देखिए, दूसरा इन्वर्टर है फ्रेंड, जो ये है, ये भी डेल्टा पावर का इन्वर्टर है और ये इन्वर्टर है फ्रेंड। देखिए, यहाँ पे 3500 VA का इन्वर्टर है, 24 वोल्ट का है और इस पर 2400 वाट के सोलर पैनल आप लगा सकते हो। ये 17000 रुपये का है और इसमें इन बिल्ट इन स्टेबलाइज़र भी है। और देखिए, इसका लोड भी हम दिखाएंगे बाद में आपको। और फ्रेंड, जो तीसरा इन्वर्टर है ये फ्रेंड, ये है, ये भी डेल्टा पावर का है, 2500 VA का इन्वर्टर है, इसमें 60 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है और फुल्ली ऑटोमेटिक ये सोलर इन्वर्टर। इसका प्राइस है 10000 333। देखिए, आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इसके जो मेन फीचर हैं इन सारे इन्वर्टर्स के, इसमें 60 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है और पावरफुल चार्जिंग, लो वोल्टेज में भी अच्छी चार्जिंग करता है और यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी भी आप इस पर लगा सकते हो और यहाँ पे आप सारे पैरामीटर कस्टमाइज कर सकते हो और सारी की सारी प्रोटेक्शन है और 30% ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन फंक्शन बिलो 180 वोल्ट ग्रिड इनपुट वोल्ट। यदि आपका ग्रिड इनपुट का वोल्टेज 180 वोल्ट से कम आ रहा है तो 30% इंक्रीज़ कर देगा ये वोल्टेज को, मतलब स्टेबलाइजर का फंक्शन भी इसके अंदर है। अब देखिए, जो इन सारे इन्वर्टर को हम कंपैरिजन कर लेते हैं, 60 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है जो भी सारे के सारे इन्वर्टर है सभी में। और यहाँ पे देखिए, 30% ये वोल्टेज इंक्रीज कर देगा यदि 180 वोल्ट से कम आ रहा है इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे इन बिल्ट इन स्टेबलाइज़र भी है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डिस्प्ले पर सारे पैरामीटर दिखाएगा। इसके अलावा देखिए, डिस्प्ले पैरामीटर दे, डिस्प्ले पे क्या क्या दिखाएगा कि VA कैपेसिटी दिखाएगा, बैटरी वोल्टेज दिखाएगा, PV चार्जिंग करंट दिखाएगा, ग्रिड इनपुट वोल्टेज दिखाएगा, ग्रिड चार्जिंग करंट दिखाएगा, AC आउटपुट वोल्टेज, डिस्चार्जिंग करंट, लोड परसेंटेज, मोड, बैटरी स्टेटस, PV स्टेटस, ग्रिड स्टेटस, लोड स्टेटस, कंजप्शन और सारी की सारी चीज़ दिखाएगा। प्रोटेक्शन भी फ्रेंड सारी की सारी इसमें दी गई है। अब हम आ जाते हैं फ्रेंड यहाँ पे, देखिए अब इसके कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों के तीनों इन्वर्टर को। देखिए यहाँ पे पहले, सबसे पहले फ्रेंड मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये जो 1100S इन्वर्टर है, ये इस पर 800 वाट तक के आप सोलर पैनल लगा सकते हो और जो 24 वोल्ट का 1600S है, 2500S और जो 3500S है, ये 24 वोल्ट के इन्वर्टर है बाकी के, और इन सभी पे आप 2000 वाट के पैनल लगा सकते हो। जबकि हमारा जो 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, इस पर आप 800 वाट तक के पैनल लगा सकते हो। नो लोड आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्ट प्लस माइनस 2% हो सकता है और फुल लोड डीसी करंट, जो कि फुल लोड डीसी करंट होगा वो दिया हुआ है यहाँ पे। और फुल लोड आउटपुट वोल्टेज, यदि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड चलाओगे तो 180 वोल्ट से ज़्यादा ही वोल्ट देगा। पेवर साइन वेव इन्वर्टर है, सारे के सारे इन्वर्टर में PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि 60 एम्पियर का है और इनपुट AC वोल्टेज 90 वोल्ट पे भी आराम से काम करेगा। और यहाँ पे देखिए, चार्जिंग चेंज ओवर टाइम दिया गया है 7 मिली सेकेंड और ग्रिड चार्जिंग करंट दिया गया है यहाँ पे 15 एम्पियर के समथिंग ग्रिड चार्जिंग करंट है। और देखिए यहाँ पे, ऑटोमेटिक वोल्टेज करेक्शन मोड है यहाँ पे, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेंजिंग इन द मेंस मोड। यदि आपके देखिए मेन मोड पे आप, यदि आपका इन्वर्टर चल रहा है तो फ्रेंड ये एक स्टेबलाइजर की तरह काम करेगा और 180 वोल्टेज से यदि कम आ रहा है आपका वोल्टेज, 180 वोल्टेज या उससे कम आ रहा है तो उसको 30% इंक्रीज़ कर देगा ये वोल्टेज को। और बैटरी लो वोल्टेज दिया गया है यहाँ पर, डिफ़ॉल्ट बैटरी कट ऑफ ओवरलोड प्रोटेक्शन दी गई है, 68 एम्पियर ये डीसी करंट दिया गया है यहाँ पर।
और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है यहाँ पे, थर्मल प्रोटेक्शन है और पीवी रिवर्स बाइसिंग है फ्रेंड्स। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट मोड भी समझाए गए हैं, तो आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।